हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवाशीष मिश्रा। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन कर लेंगे। पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। पहले चेक कर दो, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता चल चुका है। अगर कुछ स्टूडेंट लोगों को पता नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों में से थोड़ा सा शेयर कर लो, दोस्तों में से थोड़ा सा बता दो कि रिजल्ट आ चुका है। और जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा है, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे रिजल्ट चेक करने के लिए कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए तुम लोगों को लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड चाहिए। अदरवाइज ओनली बीपीयूटी रिजल्ट, यू कैन जस्ट क्लिक बीपीयूटी रिजल्ट, एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ एंड एग्जाम सेशन, यू विल फाइंड योर रिजल्ट, नथिंग एल्स। सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बीटेक, बीएएससी इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सब लोग का रिजल्ट आ चुका है। आर्किटेक्चर जो स्टूडेंट है बी आर्क, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आ चुका है। फार्मेसी बी फार्म, एम फार्म, बी फार्म स्टूडेंट लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर, एम फार्म स्टूडेंट लोगों का थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट लोग मुझे बोल रहे थे कि हम लोग का अभी बैक लग चुका है, अगर एक पेपर में बैक है, तुम लोग पास आउट हो चुके हो, तो क्या रीचेकिंग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि रीचेकिंग अप्लाई करना सही रहेगा, क्योंकि मैं जो पोस्ट डाला था उस पोस्ट में सेवन सेमेस्टर रीचेकिंग में 70% स्टूडेंट लोगों का रीचेकिंग क्लियर हो चुका है। तुम लोग जाकर चेक कर सकते हो, उसके ऊपर मैं एनालिसिस वीडियो ले आऊँगा अगर तुम चाहते हो तो। लेकिन 70% स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, 196 स्टूडेंट लोग वोटिंग किए हैं, उसमें से 70% स्टूडेंट लोगों का क्लियर हो चुका है। ओके, सो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर तुम 60-70 मार्क आंसर किए, अगर 40 मार्क आंसर किए हो तो 37 पास मार्क है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास, बट अगर तुम 60-70 मार्क आंसर किए हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि रीचेकिंग अप्लाई करना ज़रूरी है। सो रीचेकिंग अप्लाई करने का डेट आ चुका है 17/7/2022, 24/7/2023, इसमें से तुम अप्लाई कर सकते हो। आज है 17/24 तक तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे क्या स्किप ऑप्शन है, मैं तुम लोगों को बोल देना चाहता हूँ स्किप ऑप्शन 2 साल से अब नहीं है। हम लोग को अब क्लियर करना पड़ेगा जो भी पेपर है और सबको हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, और सप्लीमेंटरी एग्जाम होगा, एंड सप्लीमेंटरी एग्जाम जो है वो ओनली फॉर दी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट फॉर दी फिफ्थ सेमेस्टर पेपर, थर्ड सेमेस्टर पेपर एंड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर। अगर तुम पास आउट हो चुके हो तो फिर तुम लोग ओनली 7 सेमेस्टर पेपर एंड 8 सेमेस्टर पेपर अटेंड कर सकते हो। और जो स्टूडेंट मुझे बार बार पूछ रही थी क्या सप्लीमेंटरी होगा, सप्लीमेंटरी डेफिनेटली होगा, तुम लोग अगर बैक है तो उसके लिए अब तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे जो बैक में FEX, WHOR, FINT जो सब लगा है वो सब क्या है, उसके ऊपर मैं कल वीडियो ले आऊँगा डिटेल में, मैं एक्सप्लेन करके तुम लोगों को बताऊँगा। ओके, सो जो भी तुम्हारा डाउट्स था आई होप मैं उसको क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर मेरा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस न्यू इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू।